विधानसभा से लोकसभा पहुंचे रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली से वापस लौट आए हैं। लोकसभा सत्र के दौरान सांसद ने छत्तीसगढ़ के कई बड़े मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। छत्तीसगढ़ में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों के मामले में भी सदन में बात रखी थी। विधानसभा से लोकसभा तक का अनुभव रायपुर लोकसभा सांसद ने साझा किया है। सदन के अनुभवों को लेकर हमारी टीम ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल से खास चर्चा की। लोकसभा के सदन में छत्तीसगढ़ के कई अहम मुद्दों को उठाया गया था, और किन किन मुद्दों को उठाया गया, किस प्रकार पर उस पर चर्चा की गई है, इन तमाम चीज़ों के लिए हम बात करने के लिए हमारे साथ में रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने जो है आपको एक मौका मिला था पहली बार लोकसभा में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को आपने उठाया था, ट्रेन का जो मुद्दा है वो आपने उठाया था, किस प्रकार से चर्चा हुई, आगे का क्या आश्वासन आपको मिला? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत से देश की सबसे बड़ी पंचायत में गया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बजट के ऊपर में भी बोलने का अवसर मिला, और विभिन्न छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए मुद्दों को कि छत्तीसगढ़ में जो लगातार रिनोवेशन का काम चल रहा है, नई पटरियां डल रही हैं, नए ब्रिजेस बन रहे हैं, और उसके कारण यहाँ की ट्रेनें बहुत कैंसिल हो रही है और उससे जनता को परेशानी हो रही है, तो मैंने मंत्री जी को इस बात का आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ की कम से कम ट्रेनें कैंसिल हों और लोगों को परेशानी नहीं हो, इस दिशा में माननीय मंत्री जी कदम उठाएं, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय पे बहुत जल्दी ही यहाँ की ट्रेनें पटरी पे आ जाएंगी, यात्रियों को होने वाले जो परेशानी है वो कम होगी, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ रेलवे के मामले में भी समृद्ध होगा। साथ में छत्तीसगढ़ की जनता लगातार मांग करती है कि रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैंने मुद्दा उठाया, तो केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि आवश्यक सुविधाएं विकसित होने के बाद रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के बारे में हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। बात साथ में यहाँ के बहुत सारे वन स्टॉप, महिलाओं के वन स्टॉप वाला जो मामला है उसको भी हमने उठाया है, महिला बाल विकास के मामले को भी उठाया है, तो बहुत सारे मुद्दे हमने उठाने की कोशिश की। विधानसभा के सदन से लोकसभा सदन तक पहुंचने की जो आपकी जो जर्नी है, जब आप वहां पर पहुंचे वो अनुभव किस प्रकार का, कितना कुछ अंतर है लोकसभा और विधानसभा के सदन? बहुत बड़ा अंतर है। हम 90 लोगों की विधानसभा में थे, अब 542 लोगों की लोकसभा में है, और लोकसभा में देश के दिग्गज नेता हैं सभी पार्टियों के, तो उनका बोलने का तरीका, लोकसभा में कैसे मामले उठाए जाते हैं उसका तरीका, सब लोगों से, दिग्गज लोगों से मिलने जुलने का अवसर, कि वहाँ पर 5 बार जीते हुए, 6 बार जीते हुए सांसद भी हैं, उनका अनुभव, और इन सब चीज़ों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ के मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में किस प्रकार से उठा सकते हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे सुविधा पहुंचा सकते हैं। आज आप एक अहम कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और आज नेशनल एलिफेंट डे भी हम मना रहे हैं, तो जो हमारे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हाथियों से जो उत्पात मच रहे हैं, हाथियों को बचाने के लिए जो कदम जो उठाए जा रहे हैं उस पर और आप क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज नेशनल एलिफेंट डे है, और जहाँ जहाँ पर हाथियों का इस प्रकार का प्रकोप है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है, हाथी और मानव द्वंद्व इसको समाप्त करके मानव का जीवन भी बचे और हाथियों का जीवन भी बचे, इस दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। आज शाम को भूपेंद्र यादव जी जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो आएंगे, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो हाथी और मानव द्वंद्व की समस्या है उसके बारे में धीरे धीरे करके क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में हमको बताएंगे। 2 दिन के बाद हम 15 अगस्त मनाने वाले हैं, 77वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सर संदेश प्रदेशवासियों को आप क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश है कि देश की आज़ादी के 77 सालों के बाद पिछले 10 सालों में देश में एक ऐसी सरकार आई है जो हमारे संविधान की भावना के अनुरूप आम आदमी, गरीब आदमी, और मोदी जी ने जैसा कहा है कि अब हम चार ही जातियां इस देश में मानते हैं कि किसान, गरीब, युवा और महिला, इन चारों के विकास के लिए जो योजनाएं आई हैं उन योजनाओं के माध्यम से जो देश का आम आदमी है उसके जीवन में कैसे तरक्की आ पाए, उनका कैसे उद्धार हो सके, उनके जीवन में कैसे खुशहाली आ पाए, ये 15 अगस्त की यही हमारी कामना है कि आज़ादी के दीवानों ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मेरी सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हैं कि हम सब मिलकर
इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश को शिखर पर ले जाएं, इस देश में आम लोगों के जीवन से जो उनकी तकलीफें हैं उनको दूर कर पाएं, यही मेरी 15 अगस्त के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दो दिन पूर्व संध्या पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे होंगे, जो प्राथमिकताएं होंगी, उन्हें वो तत्परता और प्रमुखता के साथ सदन में उठाएंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम रचेंगे, ऐसा कहना है लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी का। अब देखना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ का कितना विकास हो पाता है, कितने मुद्दे वहाँ पर उठ पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। इस खास कवरेज के लिए ताकेश वरसाव के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।